नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बाराबंकी में चौधरी चरण सिंह किसान विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर वर्मा ने कहा है कि किसान सम्मान निधि की धनराशि से नहीं, चौधरी चरण सिंह किसान वेतन आयोग का गठन करके प्रत्येक किसान को 20,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देकर किसानों में खुशहाली संभव है। श्री वर्मा हैदरगढ़ भिटरिया मार्ग पर स्थित विषयाद भागवत कथा वाचक आचार्य हरिराम जी महाराज के भवनियापुर के गोविंद दास आचार्य पर फूलचंद वर्मा की अध्यक्षता में देवगढ़ प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जयंती पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 1952 में जन्मधारी कानून विधानसभा में पारित करवाकर लाखों किसानों का मालिकाना हक दिलाया था तथा 20 मार्च 1954 को एक विशेष जाति के पटवारियों को बर्खास्त करके विधानसभा में लेखपाल अधिनियम का कानून पारित करवाकर सभी धर्मों और जातियों को भर्ती करके सम्मान समानता का अधिकार प्रदान किया था। श्री वर्मा ने केंद्र मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्तों में त्याग कटौती करके तथा कॉर्पोरेट घरानों को दी जा रही औरतों की खत्म करके देश के 12.5 करोड़ किसानों को प्रति महीने 20,000 वेतन का प्रावधान किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार वर्मा, प्रदेश संगठन पर प्रभारी राम गोपाल, प्रदेश महामंत्री संदीप कुमार यादव, किशोर कुमार, प्रभात कुमार, शेर बहादुर, शंभु, अंकित, जगदीश प्रमुख आदि मौजूद थे। बाराबंकी से संवाददाता मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी के विकासखंड बनी कोडर के अद्रापुर गांव में आप लोग यहां पर जो है बैठक कर रहे हैं, इसका मुख्य मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य मकसद चौधरी चरण सिंह की नीतियों, सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाना है। और दूसरी चीज ये है कि देश के किसानों की हालत बहुत ख़राब है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 350 गुना तक वेतन भत्ते दिए जाते हैं और उनके सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर 20 लाख से 50 लाख रुपये मृतक आश्रित को धनराशि दी जाती है, परंतु किसानों को खेतों के दौरान काम करने के दौरान उनको एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह विचार मंच का उद्देश्य है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही किसानों के लिए एक वेतन आयोग का गठन किया जाए और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम से ही किसान वेतन आयोग का गठन किया जाए और प्रत्येक देश के प्रत्येक किसान को 20,000 रुपया प्रति महीना वेतन दिया जाए तथा सर खेतों में काम करने के दौरान दुर्घटना में, प्राकृतिक दुर्घटना में मृत्यु होने की इसके दौरान के स्थिति में उन्हें भी 20 लाख रुपया प्रति किसान आश्रित मृतक आश्रित को मतलब जो है मुआवजा दिया जाए तथा मृतक आश्रित किसान के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। इस संबंध में चौधरी चरण सिंह विचार मंच ने 23 दिसंबर 2017 को GPO पार्क यानी महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल हजरतगंज में